हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, या फिर हम इसे शॉर्ट में टैक्स इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है टैक्स बर्डन। यानी कि ऐसा कब होता है कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स पे करने का बर्डन अराइज होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन डिपेंड्स अपॉन, अब देखिए हमें कब इंडिया में टैक्स पे करना है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सोर्स और टाइप ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम का सोर्स क्या है या फिर हम उसे कह सकते हैं टाइप ऑफ इनकम क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसा कि हमने पहले भी किया है कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो वो असेसे या तो आरओआर होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर आरएनओआर होगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा एनआर होगा। तो इन तीनों स्टेटस में से उस पर्सन का जो स्टेटस होगा वो सिर्फ वन ही हो सकता है किसी भी प्रीवियस ईयर में। तो या तो आप इंडिया में आरओआर होंगे, आरएनओआर होंगे या फिर एनआर होंगे। और अगर हम बाकी अदर पर्सन की बात करें, यानी कि कंपनीज की, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, तो उस केसेस में या तो वो पर्सन रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इनकम। अब इनकम हमारे पास टू टाइप्स की होती है, या तो वो इंडियन इनकम होगी या फिर वो फॉरेन इनकम होगी। पहले मतलब जानते हैं कि इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है। इंडियन इनकम्स आर इनकम्स विच आर रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो इंडियन इनकम कौन सी हो गई, जो कि हमें प्रीवियस ईयर में इंडिया में रिसीव हो रही है। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, तो अगर वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या मेरे हैंड्स में मुझे रिसीव हो रहा है तो वो मेरे लिए इंडियन इनकम हो जाएगी। सेकेंड होता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि ये ऐसे इनकम्स हैं जो मुझे एक्चुअल में रिसीव नहीं हो रही, बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स हम अज्यूम कर लेंगे कि वो हमारे हैंड्स में हमें रिसीव हो गई है। तो फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो हम क्या कहते हैं उसे, कि वो मान लिया गया है कि हमें रिसीव हुआ है, बट एक्चुअल में वो मुझे रिसीव नहीं हुआ, वो तो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो ऐसे इनकम्स होती है हमारे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। थर्ड होती है अक्रूअल अराइज इन इंडिया, वो इनकम जिनको रिसीव करने का लीगल राइट मुझे इंडिया में रिसीव हुआ है। तो फॉर एग्जांपल सैलरी, अगर मैंने अपनी 15 डेज मैंने इंडिया में वर्क किया है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, तो मैं लीगल राइट है मुझे उस सैलरी को रिसीव करने का, सो दैट इनकम इज अक्रूअल अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। और फोर्थ होता है डीम्ड टू बी अक्रूअल अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि ऐसी इनकम जिनको मान लिया कि वो आपको इंडिया में अक्रूअल अराइज हुई है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया एंड डीम टू बी अक्रूअल अराइज इन इंडिया। तो अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो यानी कि इंडियन इनकम कौन सी हो गई, या तो आपको इंडिया में रिसीव हो रही है, या फिर वो डीम टू बी रिसीव है, या फिर वो अक्रूअल अराइज इंडिया में हो रही है, या फिर वो डीम्ड टू बी अक्रूअल अराइज है। तो अगर हमारी इनकम इन चारों में से कुछ भी है तो वो हमारी इंडियन इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉरेन इनकम। अब देखिए फॉरेन इनकम क्या हो गई, फॉरेन इनकम्स आर दोज इनकम्स विच नीदर रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड अक्रू और डीम्ड टू बी अक्रूअल अराइज इन इंडिया। मतलब ऐसी इनकम जो ना तो आपको इंडिया में रिसीव हुई है और ना ही डीम्ड टू बी रिसीव है इंडिया में, और ना ही वो अक्रूअल अराइज इन इंडिया है और ना ही वो डीम टू बी अक्रूअल अराइज इन इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक एग्रीकल्चरल लैंड है पाकिस्तान में, ठीक है, या फिर जापान में कहीं पर भी मेरे पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, तो मुझे वहां से इनकम रिसीव हो रही है क्या, तो ऐसी इनकम यानी कि जो मुझे रिसीव भी बाहर हो रही है, जो मुझे अक्रूअल अराइज भी बाहर हो रही है, तो ऐसी इनकम हमारे लिए क्या हो जाएंगी, फॉरेन इनकम हो जाएंगी। क्योंकि ना तो अगर मुझे एग्रीकल्चरल लैंड से मुझे पेमेंट मिल रही है तो मुझे बाहर की कंट्री में मिल रही होगी, सो वो इनकम हमारे लिए हो जाती है फॉरेन इनकम। ना इंडिया में रिसीव हुई, ना इंडिया में डीम टू बी रिसीव हुई, ना इंडिया में अक्रूअल अराइज हुई, ना इंडिया में डीम टू बी अक्रूअल अराइज हुई। तो जब वो चारों ही चीज इंडिया में नहीं हो रही, बाहर की कंट्रीज में हो रही है, तो वो फॉरेन इनकम हो जाएगी। अब बात करते हैं टैक्स इंसिडेंस की। हमारे वीडियो का टॉपिक है टैक्स इंसिडेंस। तो टैक्स इंसिडेंस मैंने बोला कि किस पे डिपेंड करता है, हमारी टाइप ऑफ इनकम एंड हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो अब इन दोनों को स्टडी करने के बाद, यानी कि हमने देख लिया कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है,
आप ROR हो, RNOR हो या नॉन रेजिडेंट हो, ये डिटरमिन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको कौन से टाइप की इनकम हो रही है, क्या वो इंडियन इनकम है या वो फॉरेन इनकम है। तो ये दोनों डिटरमिन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि तब हमें पता चलता है कि क्या उसकी वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल फ्रेम किया है जहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में टाइप ऑफ इनकम लिया है कि हमारी इनकम इंडियन है या फॉरेन है, और बाकी राइट हैंड साइड मैंने डाला है रेजिडेंशियल स्टेटस कि वो ROR है, RNOR है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। तो देखिए इजी सा टॉपिक है। अगर तो आपको इंडियन इनकम हो रही है तो इंडियन इनकम के ऊपर हमेशा इंडियन गवर्नमेंट ही टैक्स लेगी। तो इंडियन इनकम के लिए आप चाहे ROR हो, RNOR हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो इंडिया में नॉन रेजिडेंट हूँ तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। गवर्नमेंट कहती है कि आपको अगर इंडिया से इनकम हो रही है तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डजेंट मैटर, यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। तो इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन इनकम। अब देखिए अगर हमें अगर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस है ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो तुम इंडिया में रहते हो, सब कुछ तुम्हारा इंडिया में है, तो तुम्हें इंडियन इनकम पे तो इंडिया में टैक्स देना ही है, बट अगर तुम्हें फॉरेन इनकम भी हो रही है तो भी उसके ऊपर इंडिया में ही टैक्स देना है। तो यानी कि वो पर्सन जो कि ROR है, उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ भी इनकम हो, उन्हें इंडिया में ही टैक्स पे करना है। अब क्वेश्चन आता है, कईयों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर हमें मान लो कि USA से हमें इनकम हुई है, US की गवर्नमेंट कहती है कि हमें टैक्स दो, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि मैं टैक्स लूंगी, तो हम कौन सी कंट्री में टैक्स पे करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी टैक्स फॉरेन कंट्री में पे किया है अपनी फॉरेन इनकम के रिगार्डिंग, तो हम टैक्स रिबेट इंडिया में ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं US गई हूँ, मुझे वहां से कुछ पेमेंट रिसीव हुई और US गवर्नमेंट ने मुझसे वहीं पर ही TDS ले लिया, तो मेरा TDS ऑलरेडी वहां पर डिडक्ट हो चुका है, तो मुझे वहां से TDS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उस TDS सर्टिफिकेट को मैं अपने इनकम टैक्स फाइल करते टाइम शो कर दूंगी तो मुझे उसमें टैक्स रिबेट मिल जाएगा, यानी कि ऑलरेडी जो मैं टैक्स बाहर पे कर चुकी हूँ अब वो मुझे दोबारा इंडिया में पे नहीं करना। तो कंट्रीज के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो टैक्स को लाइबल करती है, लेवी करती है अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर। तो अगर फॉरेन इनकम है तो क्या हो जाएगा, ROR को टैक्स देना है। अब देखिए यहाँ पे है नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट ने कहा कि मैं तो इंडिया में रेजिडेंट नहीं हूँ और मेरी इनकम भी बाहर की है, तो अगर कोई US सिटीजन है, US का रेजिडेंट है और US की ही इनकम है, तो वो इंडिया में टैक्स क्यों देगा। तो यानी कि नॉन रेजिडेंट के केस में अगर उसको फॉरेन इनकम होती है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, वो उसकी अपनी कंट्री में ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अब बीच में मैंने छोड़ दिया था रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखिए RNOR यानी कि ऐसे लोग जो मोस्टली बाहर ही रहते हैं बट कभी कभी इंडिया में आ जाते हैं, तो उनके केसेस में क्या हुआ, अगर उनको फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम के ऊपर वो इंडिया में टैक्स नहीं देंगे, एक्सेप्ट यानी कि ऐसी कुछ इनकम्स है जिनको छोड़कर वो बाकी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देंगे। अब वो कौन सी इनकम है, फर्स्ट है इफ इट इज अ बिजनेस इनकम एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। अब इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि एक बात बताओ, तुम इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, सॉरी तुम बिजनेस बाहर कर रहे हो या इंडिया में कर रहे हो, कहीं पर भी तुम बिजनेस कर रहे हो, बट तुम उस बिजनेस को इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, तो तुम इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो तो इसीलिए मैं उसके ऊपर इंडिया में ही टैक्स लूंगी। तो जितनी भी तुम्हारी इनकम हो रही है, चाहे तुम्हारा बिजनेस बाहर खुला है चाहे वो इंडिया में है, बस मुझे उसका कंट्रोल देखना है कि तुम उसे कहाँ से कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारे जो डिसीजन है वो कहाँ पे लिए जाते हैं। तो अगर इंडिया में डिसीजन लिए जाते हैं तो वो RNOR के केस में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इनकम विच इज सेटअप इन इंडिया। अगर कोई पर्सन का प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है और उसे फॉरेन इनकम हो रही है तो वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में। तो मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कोई पर्सन लॉयर है, अब उसने क्या किया, वो बहुत अच्छा लॉयर है, उसकी जो फर्म है वो इंडिया में ही है, तो उसने क्या किया कि जो बाहर की कंट्रीज है वहां पे कोई केस लड़ने गया, तो उसका कोई क्लाइंट है फॉरनर है, तो मान लेते हैं स्वीडन में केस लड़ने गया, तो वहां पे जाके उसने केस फाइट किया, केस जीता और अपने क्लाइंट से अपनी फीस लेकर इंडिया आया। अब जब वो इंडिया लेकर आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अपनी प्रोफेशनल इनकम पे हमें टैक्स दो, तो उसने कहा सर मैं जो इंडिया में केस लड़ता हूँ उसके लिए तो मैं इंडिया में टैक्स दे दूंगा, बट जो केसेस मैं बाहर फाइट करके आया हूँ वो तो मेरे बाहर ही रिसीव हुए। तो वो क्या हुए, मुझे रिसीव बाहर हुए क्योंकि मैंने स्वीडन में केस लड़ा है, तो मुझे स्वीडन से रिसीव हुआ,
तो मेरे स्वीडन के क्लाइंट ने मुझे वहीं पर ही पेमेंट दे दिया और अक्रूअल अराइज भी मुझे स्वीडन में हुआ, क्योंकि मैंने वहां पे अपनी सर्विसेज दी हैं तो मुझे रिसीव करने का लीगल राइट में स्वीडन में मिला है, तो मुझे रिसीव भी बाहर हुआ है और अक्रू और अराइज भी बाहर हुआ है, तो वो फॉरेन इनकम हो गई, तो मैं इंडिया में टैक्स क्यों दूं? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आपको प्रोफेशनल इनकम है बट आपका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो आप इंडिया में ही टैक्स दोगे, आप कहीं से भी इनकम अर्न करके। सिमिलरली डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, उनका प्राइवेट क्लिनिक तो इंडिया के अंदर है बट उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ फॉरेन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए वो बाहर गए, तो वो अमेरिका होकर आया, डॉक्टर जो है वो अमेरिका होकर आए हैं, तो उनको जो भी उनकी फीस मिलेगी उस अपने क्लाइंट को अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो वो कहाँ पर है? रिसीव भी बाहर हो रही है, अक्रू एंड अराइज भी आउटसाइड इंडिया है, बट क्योंकि उनका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो यानी कि इन दो केसेस के अंदर अगर कोई भी इनकम होती है आरएनओआर को तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, बाकी कोई भी फॉरेन इनकम है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्स इंसिडेंस। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम या टाइप ऑफ इनकम जो है वो हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है। फॉलोइंग आर द इनकम डिटेल्स ऑफ मिस्टर अशोक, तो मिस्टर अशोक की हमें इनकम डिटेल्स गिवन है। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर इन इंडिया, इंडिया में उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है जिससे उनका इनकम का शेयर मिल रहा है। अब देखिए इंडिया में बिजनेस है इंडिया, तो ये कौन सी इनकम हो गई? इंडियन इनकम हो गई। और इंडियन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। तो मिस्टर अशोक चाहे आरओआर हो, आरएनओआर हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम। सेकेंड है डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, अब ये इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो जैसा कि आपको पता है कि फिनांस एक्ट 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने जो भी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल कर दिया है। तो पहले क्या होता था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता था या कंपनीज होती थी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को और शेयर होल्डर्स के हैंड्स में वो एग्जेम्प्ट हो जाता था, बट नाउ ऑनवर्ड्स क्या होगा कि जो भी डिविडेंड मिलेगा वो रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल होगा, तो जो भी मेरा स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे टैक्स पे करना होगा। तो डिविडेंड इनकम मिल रही है इंडियन कंपनी से है तो तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन जापान, अब देखिये जापान में एग्रीकल्चरल लैंड है तो जापान में लैंड है तो उन्हें इनकम भी रिसीव जापान में ही हो रही होगी। जब तक क्वेश्चन ना बताए कि कहां पर हुई है तब तक जहां पर भी हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस है हम वहीं पे अज्यूम करते हैं कि वहीं पे रिसीव हो गई होगी। तो जापान में एग्रीकल्चरल लैंड है तो जापान में हमें इनकम रिसीव हुई, और वहां पे लैंड है तो अक्रूअल अराइज भी वहीं पे हो रही है, सो इट इज अ फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होती है? सिर्फ आरओआर के केस में, तो आरओआर इस पे टैक्स देगा, बाकी आरएनओआर और नॉन रेजिडेंट इसमें टैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट सर्विसेज वर रेंडर्ड इन यूके, अब सैलरी इंडिया में रिसीव हो रही है तो हमें पता है कि जब भी इनकम हमें इंडिया में रिसीव हो जाए तो वो इंडियन इनकम हो जाती है, सो इट इज एन इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटस, तो आरओआर भी टैक्स देगा, आरएनओआर भी देगा और नॉन रेजिडेंट भी देगा, तो तीनों के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोलिंग फ्रॉम इंडिया एंड इनकम इज रेमिटेड टू इंडिया, देखिए अमेरिका में हमारा बिजनेस है उसे हम इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं और इनकम को हम बाद में रेमिट करके इंडिया में ला रहे हैं, तो बाद में जो रेमिटेंस होता है वो हम कंसिडर नहीं करते, हमें इनकम कस्ट कहाँ पे फर्स्ट रिसीव हो रही है हमने वही कंसिडर करना होता है। तो इनकम जो फर्स्ट है वो मैं मान लेती हूँ कि यूएसए में ही रिसीव हो रही होगी और हम बाद में उस इनकम को विड्रॉ करके अपने साथ अमेरिका लेकर आ रहे हैं, तो रेमिटेंस जो होता है वो नहीं देखा जाता, फर्स्ट रिसीव कहाँ पे हो रही है वो कंसिडर करते हैं। तो इनकम इज रेमिटेड टू इंडिया इज इररिलेवेंट, एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए अगर अमेरिका में बिजनेस है तो वहीं पे रिसीव हो रही होगी और वहीं पे अक्रू अराइज है, तो इट इज अ फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम पे कौन टैक्स देता है? सिर्फ आरओआर टैक्स देता है, बट यहां पे आपको याद होगा ये एक्सेप्ट वाले पॉइंट में है, अभी जो हमने पीछे किया कि अगर बिजनेस इंडिया से आउटसाइड है बट उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो वो फॉरनर इनकम होते हुए भी उसके ऊपर आरएनओआर टैक्स देगा, तो ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, तो आरओआर इस पे टैक्स देगा और आरएनओआर इस पे टैक्स देगा, तो दोनों के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा और नॉन रेजिडेंट इस पे टैक्स नहीं देगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अर्न ऑन बैंक डिपॉजिट इन यूएसए, अब बैंक डिपॉजिट यूएसए में है तो डेफिनेटली रिसीव भी वहीं पे हो रहा होगा और हमारा अक्रू एंड अराइज भी अमेरिका में ही हो रहा है,
तो ये फॉरेन इनकम हो गई, एंड फॉरेन इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होती है? ओनली आरओआर के केस में, तो आरओआर इस पे टैक्स देगा, बाकी के दोनों इस पे टैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट है इनकम अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडियन। अगर इंडिया में अक्रू हुई है तो क्या हो गई? इंडियन इनकम हो गई। इंडियन इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होता है? ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एसएससी, तो तीनों इस पे टैक्स देंगे, आरओआरबी, आरएनओआरबी और नॉन रेजिडेंट भी, बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम। देन वी हैव हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम श्रीलंका। अब श्रीलंका में घर है और वहां से हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, तो रिसीव भी वही हो रही होगी और अक्रू अराइज भी वही हो रही होगी, तो इन दैट केस ये एक फॉरेन इनकम हो गई, और फॉरेन इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी? ओनली आरओआर के केस में, तो आरओआर इस पर टैक्स देगा, बाकी के दोनों इस पर टैक्स नहीं देंगे। देन पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉई, सॉरी पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए। अब पेंशन है, हमने इंडिया में अपनी सर्विसेज दी थी और रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद हमें पेंशन मिल रही है और हम अमेरिका में शिफ्ट हो गए, तो जो भी पेंशन मुझे मिल रही है वो अमेरिका में रिसीव हो रही है। बट अगर आपको याद होगा तो मैंने सेक्शन 9 के ऊपर वीडियो बनाया है और उसमें बताया है कि अगर सैलरी के रिस्पेक्ट में जो मैंने इंडिया में सर्विसेज दी है उसकी रिस्पेक्ट में मुझे पेंशन मिलता है तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा, बिकॉज इट इज अज्यूम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। तो ये सेक्शन 9 में कवर होता है, तो ये अक्रू अराइज हो रहा है इंडिया में, तो ये इंडियन इनकम हो गई और इंडियन इनकम ही टैक्सेबल इन ऑल द थ्री केसेस, तो तीनों इसके ऊपर टैक्स देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट बट रिसीव्ड इन लंदन। अब ये भी सेक्शन 9 वाला पॉइंट है कि अगर इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट पे करती है तो चाहे किसी को भी पे करो, किस भी पर्पज के लिए पे करो, वो हमेशा डीम्ड टू बी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो ये इसके ऊपर मैंने सेक्शन 9 में बताया है आप लोगों को, तो ये भी एक इंडियन इनकम हो गई और इंडियन इनकम इन टैक्सेबल इन ऑल द थ्री केसेस। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑन वेडिंग फ्रॉम अ फ्रेंड। अब देखिए ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर का टॉपिक है कि अगर हमें किसी से भी गिफ्ट मिलता है हमारी वेडिंग पर, यानी कि हमारी मैरिज पे हमें कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो दिस इज एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट है तो किसी के हैंड्स में भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो तीनों के हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आरओआर, आरएनओआर एंड नॉन रेजिडेंट तीनों इसमें से कोई सा भी टैक्स नहीं पे करेंगे। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान एंड ब्रॉड टू इंडिया। तो देखिए ब्रॉड टू इंडिया तो मैटर ही नहीं करता, आप इंडिया में जब मर्जी लेकर आओ, कहीं भी लेकर जाओ, फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका फर्स्ट रिसीव देखना है कि कहाँ पे फर्स्ट टाइम रिसीव हुई है इनकम। तो क्वेश्चन सेज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान। अब एग्रीकल्चर जापान में है तो रिसीव भी वहीं हो रही होगी और अक्रू अराइज भी वहीं हो रही है, तो इट इज अ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होती है? ओनली आरओआर के केस में, तो आरओआर इस पे टैक्स देगा, बाकी के दोनों इस पे टैक्स नहीं देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो अभी हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हमें पहले इंडिविजुअल्स का असेसेस का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना होता है, फिर उनकी इनकम देखनी होती है कि क्या वो इंडियन इनकम है या फिर वो फॉरेन इनकम है। अगर इंडियन इनकम है तो सारे टैक्स देंगे, इफ इट इज अ फॉरेन इनकम तो सिर्फ आरओआर टैक्स देगा, और दो केसेस ऐसे हैं जिसमें आरएनओआर भी टैक्स देगा, अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और अगर वो प्रोफेशनल इनकम है तो वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो इन दोनों केसेस में आरएनओआर भी टैक्स देगा, बाकी के केसेस में नहीं देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेक इंसिडेंस ऑफ टैक्स। थैंक यू।